हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति। वेलकम बैक टू माय चैनल ही एंड शी ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, आज हम बनाना सीखेंगे कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी। इस चटनी को आप बहुत दिन तक अपने घर में स्टोर करके रख सकते हैं और इसे पराठे के साथ, पूड़ी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप खा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने 4 रॉ मैंगोज लिए हैं। अब मैं छिलके निकाल रही हूँ। सभी के छिलके निकाल दिए हैं मैंने। छिलके निकालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से पानी से धो लेंगे। धोने के बाद हमें इन सभी रॉ मैंगोज को अच्छी तरह से क्रश कर लेना है और गुठलियों को हमें अलग कर देनी है। सारे मैंगोज क्रश करने के बाद हम मेज़रमेंट के लिए एक बॉल लेंगे। अब मैं बॉल में क्रश्ड मैंगोज लूँगी। साथ ही मैं एक पैन या कढ़ाई लूँगी जिसमें मुझे ये रेसिपी तैयार करनी है, उसमें ये क्रश्ड मैंगोज मैं डाल दूँगी। टू बॉल मैंने ये क्रश्ड मैंगोज ली हैं। मैं इसमें 2 छोटे चम्मच नमक लूंगी। और 1 छोटी चम्मच हल्दी लूंगी। इन सभी को अच्छे से मिक्स करूंगी। हमने जितनी क्रश्ड मैंगोज ली हैं उतनी ही हमें चीनी भी लेनी है। जैसे कि मैंने 2 बॉल क्रश्ड मैंगोज ली तो मैं 2 बॉल शुगर भी लूँगी। शुगर ऐड करने के बाद हमें अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देना है। फिर हमें लेना है 2-4 लौंग, थोड़ी सी दालचीनी और 1 छोटी चम्मच जीरा। इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और फिर 5-10 मिनट हमें इसे ढककर छोड़ देना है। अब गैस स्टोव ऑन करना है और हमें अपनी कढ़ाई को चढ़ा देना है। अब हम धीरे धीरे धीमी आंच पे इसे पकाएंगे। चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है और हमारी रेसिपी का कलर भी बहुत अच्छा आ रहा है। अब मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। 2 छोटी चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। फिर मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी, थोड़ी देर पकाऊँगी।
ये देखिए मेरी रेसिपी तैयार हो गई, आम की खट्टी मीठी चटनी। चटनी ठंडी होने के बाद आप इसे किसी जार में स्टोर करके रख सकते हैं। आम की खट्टी मीठी चटनी आप अपने घर पे भी ज़रूर ट्राई करना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। हम नए नए वीडियोस लाते रहेंगे, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।